चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से स्क्रीनशॉट को समझकर। राधिका की एज है 26 इयर्स और उसकी करंट सैलरी है 35,000 रुपीस। अब राधिका के जो करंट एक्सपेंसेस है वो उसकी सैलरी के 30% यानी 10,500 रुपीस है पर मंथ। अब राधिका ये चाहती है कि जब वो 20 इयर्स बाद, जब वो 46 इयर्स की हो जाए, तब से लेकर जब तक वो सर्वाइव करेगी यानी उसकी एज 80 के होने तक, विच मींस कि 34 इयर्स तक उसकी जो पॉकेट मनी है यानी उसका जो ये खर्चा है 10,500 रुपीस का पर्सनल खर्चा, वो उसे मिलता रहे। तो अब राधिका को क्या करना होगा कि 46 की एज से लेकर 80 की एज तक उसे ये खर्चा बिना काम किए भी मिलता रहे। तो लेट अस लुक एट दिस। अब राधिका का आज का खर्चा अगर 10,500 रुपीस है तो 20 इयर्स बाद अगर हम 7% इन्फ्लेशन पकड़ के चलते हैं तो राधिका का यही 10,500 का खर्चा बढ़कर हो जाएगा 40,600 रुपीस पर मंथ, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, 46 की उम्र में राधिका को अगर 40,600 रुपीस चाहिए होंगे तो 47 की एज में यही रकम बढ़कर हो जाएगी 43,476 रुपीस। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी। वही राधिका के 48 के होने पर ये रकम बढ़कर हो जाएगी 46,000, फिर 49 की उम्र में ये रकम बढ़कर हो जाएगी 49,000, 50 की उम्र में ये रकम बढ़ के हो जाएगी 53,000 और 51 की उम्र में ये रकम बढ़ के हो जाएगी 56,000 रुपीस। विच मीन्स कि हर साल राधिका का खर्चा महंगाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा। तो राधिका को प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी होगी कि 46 से लेके 80 तक जो वो सर्वाइव करेगी उसके पास इतनी रकम होनी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ भी अपने विड्रॉल को बढ़ा सके, क्योंकि उसे अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना होगा। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से राधिका को अगले 20 सालों में यानी उसके 46 के होने तक करीब करीब 1,97,00,000 रुपीस चाहिए होंगे, सो दैट वो 46 से लेकर 80 तक इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ अपने विड्रॉल को भी बढ़ा सके 7% से हर साल। तो दोस्तों, अब राधिका ये रकम कैसे अचीव कर पाएगी, आइए समझते हैं। राधिका को अपनी इनकम में से 10,500 रुपीस की SIP को शुरू करना है अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं 20-25 इयर्स की, तो लॉन्ग टर्म में हम ये इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राधिका को 12% तक का रिटर्न तो आ ही जाएगा। और राधिका को अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के साथ साथ 8% यानी 8% से बढ़ाना है हर साल। यानी पहले 12 महीने अगर राधिका 10,500 रुपीस इन्वेस्ट करती है तो उसके पास 12 महीनों के अंत में अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 के आसपास इकट्ठा होने चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर वो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 11,300 कर देगी, तो उसके पास टोटल जो दूसरे ईयर के एंड में इकट्ठा होंगे वो होंगे करीब करीब 3,00,000 रुपये। और इस तरीके से जब राधिका की उम्र होती है 46 इयर्स, तब राधिका के अकाउंट में इकट्ठा यानी म्यूचुअल फंड अकाउंट में इकट्ठा हो जाएंगे 1,96,99,000 रुपीस, और यू कैन से 1,97,00,000 रुपीस। तो दोस्तों, इस तरीके से 46 के होने के बाद और 80 तक राधिका इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपनी पॉकेट मनी, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकाल पाएगी बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने राधिका का एग्जांपल क्यों दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एज अ वुमेन, एक वुमेन जो कि अपने डिसीजंस, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ज़्यादातर दूसरों पे छोड़ देती है, या वो चाहे उनके पिताजी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, तो कैसे एक वुमेन अपने फाइनेंसेस प्लान कर सकती है। और राधिका के एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कैसे एक वुमेन अपने फाइनेंसेस प्लान कर सकती है। क्या दोस्तों आपको पता है कि 100 में से आउट ऑफ एवरी 100 वुमेन ओनली 14 वुमेन आर एबल टू टेक देयर ओन फाइनेंशियल डिसीजंस। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि कैसे इस वुमेन्स डे के अवसर पर
एक विमेन को हम फाइनेंशियली फ्री कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि अक्सर विमेन अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद से नहीं ले पाती? इसका सबसे पहला कारण है कि कई सदियों से, कई जनरेशन से विमेन को फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व किया ही नहीं जाता। तो विमेन को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि हमारी वैसे भी नहीं चलने वाली, तो बीच में बोलने का क्या फ़ायदा। एक दूसरा कारण जो कि विमेन अक्सर अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज नहीं करना चाहती, वो ये है कि विमेन को अक्सर लगता है कि हमारी इनकम तो सेकेंडरी इनकम है, ये तो एक्स्ट्रा इनकम है। हमारे हस्बैंड्स, हमारे भाई, हमारे फादर घर चला रहे हैं, तो हमारी इनकम तो वैसे भी बोनस है। तो ये एक और रीज़न हो सकता है। तीसरा जो कि मेन रीज़न ये हो सकता है कि अक्सर विमेन को, विमेन के सिर पर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उन्हें सिर्फ ऑफिस में काम ही नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ बॉस की गालियां ही नहीं सुननी होती, उन्हें घर आकर खाना भी बनाना होता है, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता है, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक विमेन के कंधे पर होते हैं। तो ये एक और कारण है कि विमेन को अक्सर टाइम नहीं मिलता पर्सनल फाइनेंसिस में अपना ओपिनियन देने का। और एक आखिरी रीज़न ये भी हो सकता है कि अक्सर विमेन के मन में एक वहम होता है कि पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना या पर्सनल फाइनेंस एज अ टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इसी रीज़न से शायद वो ये चाहती है कि वो इस टॉपिक से थोड़ा दूर ही रहे। तो ये कुछ रीजंस है कि विमेन अक्सर अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती पैसों को लेकर। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के अनुसार विमेन, जो वुमेन इन्वेस्ट करती है, जो वुमेन अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेती है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फाइनेंस मैनेजर्स, और दे आर कंसिडर्ड टू बी बेटर इन मैनेजिंग फाइनेंस देन मेन। ये रिसर्च के अनुसार विमेन आर बेटर इन मैनेजिंग मनी। तो दोस्तों आइए आज समझते हैं कि एक विमेन से जब वो अपने पैसे मैनेज करती है, जब वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेती है, तो एज अ मैन हम क्या सीख सकते हैं एक विमेन से। सबसे पहला पॉइंट, विमेन आर रिस्पॉन्सिबल बोरोवर्स। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार अगर हम लोन्स की बात करें, तो विमेन जब लोन लेती है, पहली बात तो वो लोन फिजूल में नहीं ले लेती है, उन्हें कुछ कारण से लोन चाहिए होता है, तभी ही वो एक लोन को अप्लाई करती है। और ये रिसर्च ये बताता है कि ज़्यादातर मेन के कंपैरिजन में विमेन डू नॉट डिफॉल्ट ऑन देयर ईएमआईज, सो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल बोरोवर्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो द एवरेज सिबिल स्कोर ऑफ विमेन इज बेटर देन मेन। अगर आप सिबिल स्कोर भी देख लो तो ये क्यों ज्यादा है, क्योंकि विमेन ज्यादातर डिफॉल्ट नहीं करती, तो उनका सिबिल स्कोर, दे यूज द क्रेडिट वेरी रिस्पॉन्सिबली। उनके पास अगर क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं तो वो लिमिट में यूज करती है, मिसयूज नहीं करती है। सो दे एनहेंस देयर सिबिल स्कोर इज फार बेटर ऑन एन एवरेज कंपेयर टू द मेन। विमेन आर मोर कमिटेड टूवर्ड्स देयर इन्वेस्टमेंट्स। एज अ विमेन दे यूजुअली अटैच देयर इन्वेस्टमेंट्स विद द फाइनेंशियल गोल। एक विमेन अपना इन्वेस्टमेंट अपने गोल को नज़र में रख के ही शुरू करती है। उनके मन में होता है कि इस इन्वेस्टमेंट को हम कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी बेटी की शादी के वक्त या बेटी की हायर एजुकेशन के वक्त हमें ये पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उस गोल को नज़र में रख के ही वो इन्वेस्टमेंट करती है। और इसीलिए शायद मार्केट के गिरने पर एज अ मैन हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हम हिस्ट्री को देखते हैं और हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप कर देते हैं या विड्रॉ करवा लेते हैं, लेकिन एक विमेन अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड होती है। और शायद मुझे पर्सनली ये लगता है कि अपने हर काम को लेकर विमेन बहुत ज़्यादा कमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अक्सर हम ये समझते हैं कि विमेन डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द रिस्क, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। विमेन भी रिस्क लेती है, लेकिन विमेन अपना रिस्क सही से मैनेज करती है। अक्सर हम ये देखते हैं कि एक औरत म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी से दूर भागती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो इन्वेस्ट तभी ही करती है जब उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये इन्वेस्टमेंट उसके काम का है। तो शायद वो इन्वेस्ट नहीं करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को डिले करती है। वो समझती है कि प्रोडक्ट क्या है,
उसमें इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या हो सकते हैं, रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, और फिर ही वो उस इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में. तो वुमेन डू नॉट शाय अवे फ्रॉम द रिस्क, दे एक्चुअली मैनेज द रिस्क वेरी वेल. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि जब वुमेन को लगता है कि उनके अजम्पशंस शायद गलत हो सकते हैं और उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की, तो वो प्लानर की हेल्प लेने से कतराते नहीं है. दे ऑलवेज बिलीव इन सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो से सीखे कि एक वुमेन को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए अपने पर्सनल फाइनेंसिस को लेकर. उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, वेकेशंस करना, कार खरीदना, घर खरीदना, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए. तो दोस्तों एज अ वुमेन आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए. सबसे पहली बात, व्हाट आर द लोन्स रनिंग इन योर फैमिली. आपके हस्बैंड ने किस किस प्रकार की लोन्स लेके रखी है, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन. उस लोन की ईएमआई कितनी है और उस लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट फिलहाल कितना है. एज अ वुमेन आपको ये पता होना ही चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट कि क्या आपके हस्बैंड ने उनके अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट में, क्या उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज में, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको एज अ नॉमिनी ऐड किया हुआ है. कई बार ऐसा होता है कि कई सारी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने शादी के पहले की होती है और अभी भी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स नॉमिनी होते हैं, और कई सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि अब पेरेंट्स नहीं रहे हैं, पेरेंट्स हैव पास्ड अवे, लेकिन अभी भी नॉमिनी वही है. तो ऐसे में हस्बैंड के ना होने पर फ्यूचर में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, एक वुमेन को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है. तो आपका नाम नॉमिनी में होना ही चाहिए, फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स हो, या चाहे वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, पीपीएफ वगैरह वगैरह. नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपको ख्याल करना चाहिए वो ये है कि आज की डेट में आपके फैमिली, यानी योर हस्बैंड और योर फादर और योर ब्रदर, इन दैट केस इफ ही अलाउज टू इंटरप्ट, बट येस इन दिस केस एज आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली के पैसे इन्वेस्ट किन जगहों पर हो रहे हैं, कितना हो रहा है हर महीने, और अब तक कितना पैसा अक्यूमुलेट हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि घर का जो खर्चा हो रहा है क्या वो सही बजट के साथ हो रहा है. आप मुझे बताइए कि लास्ट आपने अपने बैंक स्टेटमेंट्स कब चेक किए थे, आपने अपने महीने के क्रेडिट कार्ड के बिल्स कब चेक किए थे. ज़्यादातर केसेस में बिल्स आते हैं, स्टेटमेंट्स आती है, हस्बैंड ही उनके अकाउंट से पे कर देते हैं, और एक वुमेन को ये पता ही नहीं होता कि घर का खर्चा फिजूल में कहाँ पे हो रहा है. तो इंश्योर दैट योर एक्सपेंसेस आर रन विद इन द बजट. नेक्स्ट पॉइंट जो कई लोग कहेंगे इसकी अभी से क्या ज़रूरत है, क्या आपके हस्बैंड ने विल बना के रखी है. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे केसेस में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हस्बैंड के ना रहने पर, एक्सीडेंट होने पर या प्री अर्ली डेथ होने के कारण, जैसे कोविड में कई सारे ऐसे हस्बैंड्स थे जो यंग एज में पास्ड अवे, तो ऐसे केसेस में विल के ना होने पर जो अनवांटेड पीपल है वो आके दावा कर सकते हैं कई सारी चीज़ों पर. तो विल के होने पर चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है. तो ज़रूरी नहीं है कि विल का होना एक बुज़ुर्ग इंसान ही अपनी विल बना सकता है, विल हर इंसान के पास होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आपको पता है कि लेटेस्ट बैंक इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड क्या है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अगर आपको अकाउंट को एक्सेस करना पड़े तो. यूजुअली बैंक अकाउंट के पासवर्ड को हर 30 दिनों में चेंज किया जाता है. तो कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि लेटेस्ट पासवर्ड आपको शायद पता ही ना हो, तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि जब भी पासवर्ड चेंज हो रहा है, एक पेपर में, लैपटॉप में नहीं, पेपर में, क्योंकि लैपटॉप का पासवर्ड अगर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत हो सकती है, एक पेपर में जब भी पासवर्ड चेंज हो रहा है उस डायरी में वो पासवर्ड लिखा हुआ है. सो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अगर आपको एक्सेस करना पड़ता है तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस होना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके हस्बैंड का किस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस है, कितने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस है,
क्या आपके हस्बैंड ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? अगर हाँ तो क्या आपका नाम उसमें ऐड किया हुआ है? कितने अमाउंट तक का है? इन केस ऑफ एन इमरजेंसी किसे कॉन्टैक्ट करना है हमें क्लेम करते समय? तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो वंस अगेन विशिंग ऑल वुमेन, ऑल द वुमेन हु आर आवर सब्सक्राइबर्स अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी जा सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप ऊपर स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ी सी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर पाया। और अगर आप मेन हैं और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को किसी वुमेन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा सो दैट दे कैन बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। और आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा तो हमारे हर संडे और वेनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।